हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक केमिस्ट के पास दो सॉल्यूशंस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टॉक में। वन इज 50% सॉल्यूशन, अदर इज 80%। एक 50% है, दूसरा 80% सॉल्यूशन है। हाउ मच ईच शुड बी यूज्ड टू ऑब्टेन 100 ml ऑफ 68% सॉल्यूशन। कितना यूज कर रहा हूँ 100 ml में 68%। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर लेंगे। सपोज कितने सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर, उसके पास दो सॉल्यूशंस है। उसके पास दो सॉल्यूशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, फर्स्ट लेट द फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दे देंगे, इसको x दे देंगे। उसी तरह सेकंड सॉल्यूशन क्या दे देंगे, इसको हम y दे देंगे। बाय द प्रॉब्लम टोटल कितने परसेंट सॉल्यूशन रहता, 100%। तो x प्लस y इज इक्वल टू 100, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। अब उसी तरह क्वेश्चन के अंदर हम बाय द प्रॉब्लम अब फिर दोबारा से लेंगे। बाय द प्रॉब्लम फर्स्ट वाला 50% सॉल्यूशन है, कितने परसेंट सॉल्यूशन है, 50% सॉल्यूशन। 50% माने 50/100 पहला सॉल्यूशन x लिए, तो क्या हो जाएगा, 51 52, ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन। और सेकंड सॉल्यूशन क्या लेंगे हम, सेकंड सॉल्यूशन 80% दे रहा, 80/100 इंटू y ले लेंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 2 5 10, ये हो गया 4y/5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, x/2 + 4y/5, ये दोनों मिला के कितने परसेंट सॉल्यूशन हो रहा क्वेश्चन के अंदर, 68% है। ये 68% हम यहाँ पर लेना। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, 2 5 10, 5 × x 5x, 2 8 16y, सॉरी 2 4 8y इज इक्वल टू 68। 5x + 8y इज इक्वल टू 68 × 10, कितना हो जाएगा 680। इसको क्या देंगे नंबर, सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। पहले वाला इक्वेशन है x + y = 100, दूसरे वाला इक्वेशन x 5x + 8y = 680। यहाँ पर कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको कैंसिल करना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5x 5 × y 5y = 5 × 100 500। ये एज इट इज़, 5x + 8y = 680 एज इट इज़। आप साइन चेंज करके ये दोनों को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों माइनस करेंगे तो 3y हो जाएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा, y = 180/3, ये दोनों कैंसिल, 3 1 3 60, y = क्या हो गया 60। इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 में करेंगे। फर्स्ट है x + y = 100, x + y की + में रखेंगे 60 = 100, y = 100 इस तरफ ला लीजिए -60, y = - कीजिए 40। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट सॉल्यूशन जो है 40% है, फर्स्ट सॉल्यूशन 40% है, सेकंड सॉल्यूशन क्या करें हम, कितना मिला रहे 60%, दोनों को मिलाए तो कितने परसेंट हो जाएगा, 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।